हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंग्लिश वाला। और नूबिया ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है नूबिया M2 Play। ये फ़ोन 10,000 से कम की कीमत में आता है और इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इस फ़ोन का हम गिव अवे भी चलाने वाले हैं, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल पे अगर आप इसके गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस फोन को आइए करीब से देखते हैं। सबसे पहले मैं बॉक्स पे लिखे हुए फीचर्स का आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इसमें एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है आपको, 5.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 435 चिप है। 3 GB रैम है, 32 GB इंटरनल मेमोरी। कैमरा कन्फिग्रेशन जो है वो 5 MP फ्रंट और 13 MP रियर कैमरा है। OTG का सपोर्ट है। इसमें नियो विजन 6.0 सॉफ्टवेयर है, साथ ही में एंड्रॉयड 7.1 ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें दिया गया है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इलेक्ट्रॉनिक अपर्चर जो कि एक कैमरा फीचर है, स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग और 3000 mAh बैटरी। और आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का यूनिट है, 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ आता है। इस फ़ोन को खोल के देखते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मिलेगी वो है फ़ोन। ये एक ब्लैक कलर का यूनिट है, काफ़ी ग्लॉसी है पीछे से। इसको हम रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या है। ये है क्विक स्टार्ट गाइड, साथ ही में वारंटी कार्ड, यहाँ पे दिया गया है एक सिम इजेक्टर टूल, एक वॉल चार्जर। काफ़ी स्लिम है ये, और इस वॉल चार्जर की जो रेटिंग इस पे लिखी हुई है वो है 5 वोल्ट और 1500 mA। और ये 7.5 वोल्ट का चार्जर है। साथ ही दी गई है एक डेटा केबल जो कि माइक्रो USB है, इसमें टाइप सी नहीं है और इसमें ईयरफोन्स भी बंडल नहीं है। ये एक बजट फ़ोन है, 10,000 से कम की कीमत में आता है। और आइए इसको अब करीब से देखते हैं। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक दिया गया है बैक पे, इसको हटाते हैं। ये एक्चुअल में उतना ग्लॉसी नहीं है जितना ये उस प्लास्टिक के साथ लग रहा था। एक अच्छा मैट ब्लैक फिनिश है। कैमरा पे भी प्रोटेक्टिव प्लास्टिक है। कैमरा मॉड्यूल के अराउंड ये लाल रंग की रिंग दी गई है। और इधर कुछ और स्टिकर्स हैं जिसपे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हटा देते हैं। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि स्टिकर्स कोई निशान नहीं छोड़ रहे, जो कि मैंने ये देखा है कई फ़ोन्स में बहुत अनोइंग हो जाता है जब आप स्टिकर हटाते हैं और फ़ोन की बैक पे निशान्स रह जाते हैं और उनको हटाने में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आगे नूबिया लिखा है और ये प्रोटेक्टिव स्क्रीन है, इसको हटा देते हैं। इसके नीचे की तरफ एक बटन दिया गया है जो एक टच कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ये बटन डिप्रेस नहीं होता जैसे कि 1+5 में आपने देखा होगा या 1+3 3T में देखा होगा। इसको दबाने से अंदर की तरफ नहीं जाता, बट ये टच बटन है। और यहाँ पे दो टच कैपेसिटिव बटन्स जो कि लाल रंग से हाईलाइट किए हुए हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे। फ़ोन के राइट हैंड साइड पे पार की दी गई है और इसी के ऊपर एक सिम कार्ड ट्रे है। आइए इस ट्रे को खोल के देखते हैं। ये फ़ोन बूट हो रहा है, इसकी बूट एनिमेशन देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई है। ये जो सिम कार्ड ट्रे है, अगर इसको हम करीब से देखें तो SIM 1 और SIM 2, इसमें दो सिम डाल सकते हैं। और सेकेंड ट्रे जो है वो हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है, यानी इसमें आप नैनो सिम भी डाल सकते हैं और माइक्रो SD कार्ड डाल के इसकी मेमोरी को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो ये एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। ऊपर की तरफ देखें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक है। और लेफ्ट साइड पे दो डिस्क्रीट बटन्स दिए गए हैं, ये वॉल्यूम कीज़ हैं, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के लिए। नीचे की तरफ देखें तो चार्जिंग पोर्ट और दो ग्रिल्स दी गई हैं, इसमें से एक स्पीकर ग्रिल है। और आगे की तरफ 5.5 इंच का 720p हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है। ऊपर की तरफ 5 MP का कैमरा दिया गया है, ईयर पीस है। और नीचे की तरफ तीन बटन्स हैं जिसमें से होम बटन और दो बटन्स जो बैक और मल्टीटास्किंग बटन्स हैं। पीछे की तरफ नूबिया ब्रांडिंग है और आप यहां देख सकते हैं 13 MP का कैमरा मॉड्यूल जिसमें आसपास रेड रिंग दी गई है जो कि काफ़ी स्मार्ट लग रही है। और साथ ही में LED फ्लैश है। यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें लिखा है डिज़ाइन बाय नूबिया, नूबिया टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड। तो ये है फ़ोन नटशेल में। आइए इसको फटाफट से सेटअप कर लेते हैं और दिखाते हैं कि इसका कैमरा और इंटरफेस कैसा है। और ये हम फटाफट से सेटअप स्क्रीन पर आ गए हैं। और ये है फर्स्ट स्क्रीन जो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आइए इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले
इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी डिफरेंट है, और आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ से स्वाइप अप करने से सारे टॉगल्स आ रहे हैं और ऊपर की तरफ से स्वाइप डाउन करने से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो कि नूबिया का अपना कस्टमाइज्ड इंटरफेस है। और इसका डिस्प्ले क्वालिटी हमें अच्छी लग रही है। इसको थोड़ा सा हम ब्राइट और करके देखते हैं। इसका ऑटो ब्राइटनेस मैं बंद कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा है तो ये डिस्प्ले को बहुत डल कर रहा है। और टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले हम इसका कैमरा टेस्ट करते हैं, 13 मेगापिक्सल कैमरा किस तरह का है, कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, और इसके बाद हम फटाफट से आपको सॉफ्टवेयर वर्जन दिखाएंगे और इसका ऑडियो वीडियो टेस्ट भी करके दिखाएंगे एक म्यूज़िक ट्रैक प्ले करके। तो रियर कैमरा सॉफ्टवेयर काफ़ी नीट है और यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो फोटो प्रो मोड जिसमें वाइट बैलेंस आईएसओ और यहाँ पे फोकस आईएसओ वाइट बैलेंस ये कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसमें फोटो मोड प्रो मोड वीडियो मोड ब्यूटी मोड और साथ ही साथ में ये एक कैमरा फैमिली मोड दिया गया है जिसमें लाइट पेंटिंग ई अपर्चर क्लोन मोड टाइम लैप्स स्लो मोशन और पैनोरामा ये काफ़ी अलग तरह के मोड्स दिए गए हैं। और आइए अब इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा भी टेस्ट करते हैं। ये शायद स्माइल डिटेक्शन कैमरा है, अपने आप क्लिक कर रहा है फटाफट से। तो आप देख सकते हैं इसका फ्रेम वाइड है, डिटेलिंग ठीक ठाक है, पिक्सलेशन शुरू हो रहा है जल्दी ही, लेकिन 5 मेगापिक्सल के कैमरा के हिसाब से ये एक ठीक ठाक कैमरा है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा लेकिन ये ठीक ठाक है। और अगर रियर कैमरा के जो रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे उनको आप देखें तो क्लैरिटी ठीक है, कलर टोन्स नेचुरल हैं और पिक्चर्स जो हैं साफ हैं, लाइट इसमें काफ़ी अच्छी है, एक्सपोजर ठीक है। इस वाले शॉट में आप देखेंगे तो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट पे फोकस है और फोरग्राउंड का फोकस थोड़ा सॉफ्ट है, तो यहाँ पे उल्टा है, बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ब्लर्ड आउट है और फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट काफ़ी शार्प फोकस में है। कलर्स काफ़ी नेचुरल हैं, अगर आप देखें तो रियल ऑब्जेक्ट और स्क्रीन पे आप देखेंगे तो कलर्स बहुत ही नेचुरल हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, ओवर सैचुरेटेड नहीं है। फटाफट से इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ अच्छा काम कर रहा है, एक्टिव स्कैनर है, आप इस पर अपना थंब इम्प्रेशन रखते ही ये फटाफट से अनलॉक कर रहा है। और आइए अब मैं आपको इसका ऑडियो वीडियो परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो ये है इसका ऑडियो वीडियो परफॉर्मेंस, आप सुन पा रहे हैं कितना लाउड है। ये एक ट्रैक हम यूट्यूब से स्ट्रीम कर रहे हैं, इस ट्रैक को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ ताकि कुछ और बीट्स आए यहाँ पे। ये जो टॉप ग्रिल है ये स्पीकर है और ये बॉटम ग्रिल जो है ये यहाँ पे शायद सिर्फ माइक्रोफोन दिया गया है, इसको कवर करते ही मफल हो जाता है। इसका जो ऑडियो लेवल है वॉल्यूम आउटपुट है वो मैं कहूँगा मॉडरेट है, बहुत हाई भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, आप इससे काम चला सकते हैं। और अगर आपको मूवी देखनी है या म्यूज़िक सुनना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये 3.5 mm ईयरफोन जैक में अपना ईयरफोन्स लगा के इसका ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा बट अच्छी लगी। डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, फ़ोन काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है। स्नैपड्रैगन 435 चिप दिया गया है जो कि एक मॉडरेट लेवल चिप है, बहुत प्रीमियम नहीं कहूँगा बट एक अच्छा प्रीमियम फील देता है ये फ़ोन हाथ में, और 10,000 से कम की कीमत में आता है तो ओवरऑल एक अच्छी ऑफरिंग है। हाँ, इस प्राइस में आपको काफ़ी और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। तो अगर आप नूबिया के फ़ोन्स पसंद करते हैं, इनका सॉफ्टवेयर पसंद करते हैं तो आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। इसके जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस फ़ोन को जीतने के लिए और इसके गिव अवे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम एक गिव अवे कॉन्टेस्ट बहुत जल्दी लाने वाले हैं तो नेक्स्ट वीक वो लाइव हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आपको हमारे हिंदी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप बटन दबा के हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपका दोस्त इंग्लिश वाला आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।